हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ फरजीन। वेलकम टू फरजीन्स फूड मैजिक। आज हम बनाने वाले हैं चिकन हांडी, लेकिन हुंजा वैली की। हुंजा वैली एक जगह है जो पाकिस्तान को बिलोंग करती है, जो कश्मीर का हिस्सा है, जो पाकिस्तान में वहाँ की एक डिश है जो बहुत ही बेहतरीन है और कुछ अलग सी डिश है। तो चलिए इसे बनाना देखते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है, बोनलेस पीसेस ही लिए हैं। इसमें मैंने ऐड कर दिया है टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून लिया है। साथ ही हम डाल देंगे सॉल्ट और 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर तीखेपन के लिए, और थोड़ा सा विनेगर। इन सब को ना हमें इसे अच्छे से मैरिनेट कर देना है। अच्छे से लगाकर थोड़ी देर के लिए हम इसे साइड में रख देंगे, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। अब यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है मैंने। अब इसमें डाल देंगे हम 2 बड़ी प्याज, उसे मैंने लंबा लंबा सा कट कर लिया है, जैसे हम बिरिस्ते के लिए करते हैं। आप बिरिस्ता डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे रफली चॉप करके ले लें और इसे हल्का ब्राउन कलर आने दें, और उसके बाद इसे निकाल कर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। मीनवाइल, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। देखिए, प्याज जो है वो यहाँ पे हल्की ब्राउन हो चुकी है, तो फ्लेम को ऑफ करके हम इसे ग्राइंड कर देंगे। अब ये सेम ऑयल में ना हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट ना आपने मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लेना है। देखिए, चिकन जो है पकने लगा है, थोड़ा सा ऑयल रिलीज होने लगा है। चिकन को आपने अलट पलट कर सारे साइड से अच्छे से भून लेना है। बोनलेस चिकन है, जल्दी से पक जाएगा। तेल को ना एक साइड कर लिया है मैंने, चिकन को एक साइड कर दिया है। अब इस तेल में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल चले जाए। उसके बाद हम चिकन में इसे मिक्स कर देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट ना आप इसे अच्छे से भून लें। इसके बाद जो है इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं टमाटर की प्यूरी। मैंने 2 बड़े टमाटर को पीस लिया है और उसकी प्यूरी बना दी है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसकी भी रॉ स्मेल जाने तक हम इसे पका लेंगे। जब इसकी रॉ स्मेल चले जाएगी और इसका पानी जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ग्रेवी में तब्दील हो जाएगा, तब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे भून लें। तकरीबन 5 मिनट के लिए ना मैंने लो फ्लेम पर इसे छोड़ दिया है पकने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी पे थोड़ा सा तब्दील हो गया है। तो अब हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड की है, और 1 टीस्पून गरम मसाला। क्योंकि हमने इसमें चिकन ऑलरेडी ऐड किया है और उसमें भी काफ़ी सारे मसाले थे, तो नमक जो है उसके हिसाब से आपने ऐड करना है, वरना खारा हो जाएगा। मुझे नमक ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, चिकन में जो था उसी का फ्लेवर जो है ग्रेवी में रिलीज़ हो गया। अब यहाँ पर साथ ही मैंने ऐड किया है जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे सौते कर लेंगे कुछ मिनट्स के लिए। अब ग्रेवी की क्रीमी टेक्सचर के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब करीब लिया है, वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। दही को अच्छे से फेंट लीजिए, क्योंकि ग्रेवी में जाने के बाद वो फटना नहीं चाहिए, और जब आप दही ऐड करें तो जो फ्लेम है वो बहुत ही लो होनी चाहिए, वरना दही फटना शुरू हो जाता है। तो इसे ढक कर आप तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएं मीडियम फ्लेम पर। देखिए, ऑयल जैसा है ये रिलीज़ होने लगा है सरफेस पर, तो थोड़ा सा आपने इसे स्टर करके देख लेना है। रेगुलर चिकन हांडी तो आपने बहुत बनाई होगी। इस डिश की खासियत यह है कि आपको ना काफ़ी इसमें भूनना है। अब ना इसके अंदर हमने ऊपर से ऐड कर दी है कसूरी मेथी थोड़ी सी क्रश करके,
इसे भी आप थोड़ा सा भून लें इसमें डालने के बाद, ताकि जो फ्लेवर्स है अच्छे से कंबाइन हो जाए। अब ना मैंने यहाँ पे डाइस करके जो है क्यूब के शेप में काट कर मैंने कैप्सिकम और प्याज ले ली है और दो हरी मिर्च इसमें स्लिट करके डाल दी है। इसे आपने ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस एक मिनट आपने इसमें लास्ट में डालना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है, डाल के जस्ट एक मिनट आपने पकाना है। सर्व करते वक्त आपने इसे बेरस्ता से गार्निश कर देना है और आपने इसे तंदूरी रोटी या बटर कुलचा के साथ में इसे सर्व कर देना है। तो देखा आपने, बहुत ही बेसिक मसालों से ही हमने ये डिश बनाई है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट टेक्निक से, और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा हटकर आता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद फज़ीन्स फूड मैजिक फॉर मोर सच वीडियोज़। टेक केयर, गुड बाय।